तो ये दुनिया का मैप है। यहाँ पे जहाँ जहाँ लाल लाल बिंदु दिख रहा है, यहाँ यहाँ लोग रहते हैं जहाँ उनको डायबिटीज़ नहीं होता, हार्ट डिजीज़ नहीं होता, कैंसर नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। और वो कौन लोग हैं, उनके नाम जानना चाहते हैं तो ये नाम है। तो वो भी इंसान है हमारी तरह, उनके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो उनको बीमारी क्यों नहीं होती, वो क्या ऐसा करते हैं। तो साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि ये लोग बीमार क्यों नहीं है, ये तो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं बट वो 100 साल जिंदा रहते हैं आज भी। तो उस पर एक स्टडी हुई, उस स्टडी का एक पार्ट मैंने भी पूरा किया, उस पार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं जारावास। जारावास अंडमान निकोबार गए हैं आप लोग? अंडमान निकोबार ये भारत का पार्ट है, वहाँ पे अंडमान निकोबार में एक छोटा सा टापू है, उस टापू में कुछ लोग रहते हैं, उन्हें बोलते हैं जारावास। और आज से 50,000 साल पहले, मैं 500 साल पहले नहीं बोल रहा हूँ, 5,000 साल पहले की बात नहीं बोल रहा हूँ, 50,000 साल पहले जब मानव इंसान बाकी जानवरों की तरह रहता था, पेड़ में रहता था या गुफा में रहता था, बाकी जानवरों से लड़के जिंदा रहता था, जब इंसान कपड़े नहीं पहनता था, 50,000 साल पहले से लेके अब तक एक छोटा सा टापू अंडमान निकोबार का जो पूरे दुनिया से अलग हो गया और दुनिया से उनका तालमेल ना के बराबर था अभी तक, तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे कपड़े लोग नहीं पहनते। और आज अगर वहाँ आप चले जाएँ तो वहाँ पे आज भी वो आदि मानव जो आप बचपन में पढ़ते थे ना हिस्ट्री में, आदि मानव की तरह आज भी वहाँ पे जंगल में जंगली लोग की तरह वो रहते हैं। यहाँ जाना भी अलाउड नहीं है, यहाँ जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये आदि मानव टाइप है। और जब भी कोई इंसान हम जैसा आप जैसा देखेंगे कपड़े पहना हुआ, सोचता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए हमारे दुश्मन, तो वो तीर से निशाना मार के वो किसी को भी मार सकते हैं। इसीलिए सरकार यहाँ जाने की अनुमति नहीं देती है, और अगर जाना है तो बहुत सारे प्रोटेक्शन लेके तब जाना होता है। मुझे यहाँ जाने का मौका मिला, जारावास इनका नाम है, अंडमान निकोबार का छोटा टापू। वहाँ गया तो कुछ अजीब अजीब बातें देखी, उनमें से एक इंटरेस्टिंग बात, वहाँ पे आज से 20 साल पहले एक डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर आर सी कर, उन्होंने न जाने कैसे इस टापू में चले गए और टापू के इन जंगली लोगों के साथ दोस्ती कर ली, और तब से वो उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उनकी भाषा सीख ली और अब भी वहीं रहते हैं। सो गवर्नमेंट ने उस डॉक्टर को फाइनली वहाँ अपॉइंट कर दिया कि आप इनके देखभाल के लिए रहो। मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर आर सी कर से, मैंने उनसे पूछा कि ये जारावास के जो लोग हैं क्या इनको डायबिटीज़ होता है। जवाब था उनका, नहीं डायबिटीज़ कभी नहीं पाया गया। मैंने पूछा हार्ट की बीमारी होती होगी, जवाब था उनका हार्ट की बीमारी कभी नहीं देखी गई। मैंने बोला कैंसर हो जाता होगा, का कैंसर भी नहीं होता कभी भी, सिर्फ जब वो बाकी जानवरों से लड़ाई करते हैं और उनको चोट लगती है तब उनका खून बहता है, तब ये डॉक्टर उनको आराम देने के लिए, थोड़ा सा कम्फर्ट देने के लिए कोशिश करते हैं, पट्टी वट्टी लगाने के लिए, दैट्स ऑल। वो तभी इस डॉक्टर को मौका मिलता है उनके ब्लड को टेस्ट करने का, उनका ब्लड प्रेशर चेक करने का, और वो सारा डेटा वो मेंटेन करते थे, अभी भी करते हैं। और उन्होंने बोला कि इन लोगों को कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये सारी बीमारियां कभी इनकी हिस्ट्री में नहीं है। और ये एक एक आदमी हमारे मॉडर्न लोगों में 5-5 लोगों के बराबर है, इतने ताकतवर। दिमाग में बात आती है कि ये भी तो इंसान है और ये इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, ये इंडिया के सिटीज़न हैं जैसे आप और हम हैं, लेकिन ये बीमार नहीं पड़ते, इनको कैंसर नहीं होता, हार्ट की बीमारी नहीं होती, तो ऐसा क्यों, ऐसा ये क्या करते हैं। ये रही एक बात, कुवैत। कुवैत दुनिया का सबसे अमीर देश है, सबसे अमीर देश है। वहाँ पे कोई पैसे के लिए काम नहीं करता है, वहाँ का राजा हर साल करीब 25 लाख रुपए इंडियन करेंसी की बात करूँ तो उनके बैंक खाते में डाल देते हैं। तो वहाँ पे काम नहीं करता कोई पैसे के लिए, वो वहाँ पे भिखारी वगैरह नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर देश कुवैत। वहाँ 3 साल मुझे काम करने का मौका मिला, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन की थोड़ी मदद ली। एक बात मैंने पाई, दुनिया का सबसे ज़्यादा डायबिटिक देश, सबसे ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ भारत से डबल, 2 गुना, वो है कुवैत। भारत में 9% लोग डायबिटीज़ पेशेंट है तो वहाँ पे 20% लोग डायबिटीज़ पेशेंट है। दिमाग में बात आई कि ये इतने ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट क्यों हैं, इतनी ज़्यादा हार्ट की बीमारी क्यों है, इतने ज़्यादा लोग मोटे क्यों हैं, इतनी ज़्यादा कैंसर क्यों है इस देश में। और फिर मैंने उसको कंपेयर किया कि जारावास से मैंने कंपेयर किया कि यहाँ पे एक तरफ ये भी इंसान है और इनको बीमारी है ही नहीं, और दूसरी तरफ कुवैत के लोग वो भी इंसान है और उनमें बीमारी का भरमार है, पैसा जितना ज़्यादा बीमारी उतनी ज़्यादा। तो
ये मैं मुझे रिसर्च का मौका मिला और मौका मिला, मैंने दोनों में कंपेयर किया, दोनों सिविलाइजेशन को, और एक कंक्लूजन पे आया, एक निष्कर्ष पे आया। वो निष्कर्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस पूरे आज के मेरे प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्लाइड है वो अब आ रहा है, जो आप स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। वो है, मैंने पाया इन दोनों में इतना फ़र्क का एक ही कारण, वो है उनकी डाइट, उनका खाना। जो खाना वो खाते थे, जारावास के लोग जो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, उस खाने का मैंने एक नाम रखा, और जो कुवैत के लोग खाना खाते थे उस खाने का भी मैंने एक नाम रखा। कुवैत के लोग जो खाना खाते हैं उसका नाम मैंने रखा VIP डाइट, एक ऐसा डाइट जो कोई भी हेल्दी आदमी अगर खाएगा कुछ दिनों में उसको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, या कैंसर हो जाएगा, या डायबिटीज़ हो जाएगा, होगा ही होगा। VIP डाइट। अच्छा, VIP डाइट से क्या मतलब है? VIP आपको पता है VIP क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन इंडिया में VIP का मतलब क्या है? कोई भी पॉलिटिशियन है, वो रेड लाइट को भी अगर ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ सकता है और कोई भी लॉ ब्रेक कर सकता है, तो बोलते हैं और देखो VIP जा रहा है। VIP का मतलब कि उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, VIP, राइट। सो इंडिया में ट्रैफिक में देखते हैं लाल बत्ती, अब तो नहीं है, पहले लाल बत्ती वाली गाड़ी तो VIP, इसके लिए कोई नियम नहीं है। लाल बत्ती वाली गाड़ी में अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तब भी वो क्रॉस कर सकता है, VIP, राइट। जो कोई भी नियम तोड़ पाए इंडिया में वो है VIP। ठीक इसी प्रकार कुछ इस तरह के खाना है, ऐसे फूड हैं जिनको जब आप खाते हैं पेट में जाते ही वो बन जाता है VIP। पेट के सारे नियमों को, बॉडी के सारे कानून को तोड़ के सीधे ब्लड में जंप करता है वो खाना। ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसका बॉडी में फैट बढ़ जाता है, वो एकदम से बीमार पड़ सकता है, VIP फूड, राइट। फिर एक तरह का डाइट है जो लोग जरावास लोग जो खाते हैं, उसका नाम मैंने दिया DIP, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। आप और हम जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो क्या करते हैं? आप देखते हैं कि रेड सिग्नल है, आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं। जब ग्रीन होता है तो चालू करने से पहले गाड़ी इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, खुद की सेफ्टी करते हैं, आसपास के लोगों का सेफ्टी का ख्याल करते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह के फूड है, इस तरह का खाना है, इस तरह का डाइट है, जब आप उसको खाएंगे तो पेट में जाके वो DIP की तरह काम करता है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको अगर आप समझ लें तो बस फिर आप ये समझ जाएंगे कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है, हार्ट की बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है। और जो इसको समझ लेगा उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। शुगर है या ब्लड प्रेशर है या ये ट्यूमरस सेल है, वो सारी चीज़ों की बात है। जीवन में कभी आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी और जिनको है उनको ठीक हो जाएगी। जीवन में कभी आपको कैंसर नहीं होगा और जिनको है वो ठीक हो जाएगा। ये साइंटिफिक बातें हैं, ये कोई सोची हुई बातें नहीं है, ये प्रूवन बातें हैं, राइट। तो अब सवाल एक आता है, कैसे ये पता करें कौन से वाले खाने में ड्राइवर है, यानी कि DIP डाइट कौन सा वाला है। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए, एक बात मैं बताता हूँ अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक को यूज़ करते हुए, कि जीवन में कभी आपको कैंसर नहीं होगा और जिनको है वो ठीक हो जाएगा। जीवन में कभी आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी और जिनको है उनको ठीक हो जाएगी। तो ये पार्ट आप बहुत ध्यान सुनिए अभी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। थैंक यू।